नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सुंदर रमणीय मनोरम सांगला वैली में आपका स्वागत है। और ये मेरी परियोजना का कार्य क्षेत्र भी है, पर उससे बढ़कर ये बहुत सुंदर वैली भी है। हर पहाड़ों में, ऊँचे पहाड़ों में 2800 के आसपास, 2800 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन है समुद्र तल से। और ये खूबसूरत बासपा बैराज, जो 300 मेगावाट की बासपा जल विद्युत परियोजना का बैराज है, उसके ऊपर हम खड़े हैं। और ये नदी आ रही है, बासपा नदी, जिस पर ये बैराज है। और देखें, सेब का मौसम है, तो बहुत ही सुंदर रॉयल सेब हैं ये, बहुत ही मीठे, बहुत ही टेस्टी रॉयल एप्पल्स जो यहाँ से नीचे जाते हैं। और यहाँ इस इलाके के लिए ये बहुत ही मुफीद हैं। और मेरे मित्र गोल्डी ठाकुर जी से मुलाकात हो गई। हम यहाँ पर आए हैं अपनी परियोजना में एक इंस्पेक्शन कार्य के लिए, और साथ ही हम से वैली का भी नज़ारा कर रहे हैं। तो ये सांगला वैली है दोस्तों। सांगला वैली के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये वैली किस लिए प्रसिद्ध है। इससे आगे जाने पर चितकुल गांव पड़ता है, जो कि इस वैली में अंतिम गाँव है। उसके बाद आगे जाकर चाइना की सीमा मिलती है। और बरसात के बाद ये मौसम है हरियाली का। और दोस्तों, सर्दियां आते आते यहाँ भीषण बर्फबारी हो जाती है, और ये पूरा इलाका बर्फ़ से भर जाता है। और बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी के सेबों के लिए जाना जाता है, जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सांगला वैली का जो वातावरण है, तो यहाँ से किन्नौर के बेहतरीन रॉयल और गोल्डन सेब जाते हैं नीचे। और ये आप यहाँ से देखें हमारे बैराज का परिदृश्य, और दूर में कॉलोनी है, तो ये बैराज दिख रहा है। आइए मैं आपको बासपा नदी दिखाता हूँ। दोस्तों, सांगला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित एक गांव है, और यह बासपा घाटी में बासपा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह उस घाटी की सबसे बड़ी बस्ती है। दूर में आपको सांगला दिख रहा है इस समय। अभी तो यह मेरा बैराज है, लेकिन जब कैमरा जैसे जैसे दाहिनी ओर घूमेगा तो आपको सांगला दिखना शुरू हो जाएगा मित्रों। और यहाँ पर कई मंदिर हैं, और बेरिंग नाग जी यहाँ के अधिदेवता हैं। और दो अन्य देवता भी सांगला से संबंधित हैं, माजेन नाग जी और पीरी नाग जी। और इनके मंदिरों के अलावा बद्रीनाथ जी और छितकुल माता के भी मंदिर हैं। दोस्तों, मैं आपको ज़रा सा बसपा घाटी के बारे में बता दूं कि बसपा घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित एक पर्वतीय घाटी है, और इसमें बसपा नदी बहती है, जिस पर इस घाटी का नाम पड़ा है। इस घाटी में सांगला बस्ती जो है वो सबसे बड़ी बस्ती है, इसलिए इसे सांगला घाटी भी कहा जाता है। छितकुल, कमरू और अन्य ग्राम भी इसी घाटी में बसे हुए हैं। कमरू भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित एक गांव है, और यह सांगला घाटी में है। इसके उच्चतम स्थान पर कमरू दुर्ग बना हुआ है, जिसे बद्रीनाथ जी द्वारा सदियों निर्मित होने की मान्यता है। इसमें कई देवी देवता स्थापित हैं, जिसमें बहुत समय असम से लाई कामाख्या देवी भी विराजमान हैं। तो दोस्तों, ये वैली बहुत ही सुंदर वैली है। इसी घाटी में आप जाएंगे तो छितकुल गांव मिलता है, जो कि भारत का अंतिम गांव है, और यह भी बासपा नदी के किनारे बसा है, जो छितकुल गांव है। छितकुल समुद्र तल से 3450 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित अंतिम गाँव है बासपा घाटी का। और बसपा नदी के दाहिने तट पर स्थित इस ग्राम में स्थानीय देवी माथी के तीन मंदिर बने हुए हैं। कहा जाता है माथी के सबसे प्रमुख मंदिर को 500 वर्ष पहले गढ़वाल के एक निवासी ने बनाया था। तो आप इसको यहाँ तक आने के लिए शिमला से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 पर करचम तक आते हैं, और वहाँ पे करचम डैम से आप दाहिनी ओर ब्रिज से नदी पार करते हैं, और इसके बाद वहाँ से राक्षसम होते हुए सांगला चले आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको शिमला से रामपुर होते हुए करचम डैम तक आना है, और वहाँ से आपको दाहिनी ओर, मतलब बासपा नदी के बाएं किनारे पर यात्रा करते हुए
जाना है। फिर इसके बाद आप फिर एक बार नदी क्रॉस करेंगे जहाँ करशम डैम में बासपा नदी मिलती है और आप आगे बढ़ जाएंगे। और इस समय आप देखें तो ये बासपा परियोजना का बैराज है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये ग्रीन जोन है जहाँ पर आप बिना हेलमेट के रह सकते हैं। अच्छा दो है तो हम ग्रीन जोन में हैं। इसके आगे टीआरसी होगी। शुरू में चैनल है कि सीधा? ना सीधा ही, यहीं से जो गेट दिख रहा है यहाँ से। ओके ओके। दोस्तों जो बासपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 300 मेगावाट की पहली परियोजना है जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई थी, और ये एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली परियोजना है जो कि बासपा नदी के पानी को पहाड़ के अंदर ले जाकर और उसके द्वारा टरबाइन घुमाकर चलाई जाती है। और यह जो बागान दिख रहा है यह रॉयल और गोल्डन सेब का बागान है। आप देखें ये रॉयल सेब आपके सामने बहुत ही सुंदर, और इनका स्वाद तो अत्यंत मीठा है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स हैं। और ये हमारे दाहिनी ओर जो हैं ये क्वार्टर्स दिख रहे हैं जो कि बासपा परियोजना के कर्मचारियों के क्वार्टर्स हैं। तो आप देखें यहाँ पर बहुत ही उत्तम तरीके से सेब की खेती होती है जो कि हमारे अपने परियोजना के कैंपस में होती है। और ये देखें एक ही पेड़ में दो प्रकार के एप्पल हैं, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल, मतलब रॉयल और गोल्डन एप्पल दोनों एक ही वृक्ष में हैं, और इसलिए ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जैसे फूलों के गुच्छे लदे होते हैं उसी तरीके से ये सेब के गुच्छे लदे हुए हैं पेड़ों पर। दोस्तों कैसा लगा आपको ये इस सांगला वैली का टूर और हमारी परियोजना का, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। रॉयल एक ही